बड़ोरेंज थाना क्षेत्र के सिधुआ पार गांव के लक्ष्मीपुर टोले में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट में 42 वर्षीय गौतम की पीट कर हत्या कर दी गई। लखनऊ ले जाते समय मौत के बाद शव के साथ रास्ते में पुलिस ने परिजनों को रोक लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर बड़हलगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर गाँव के सुकरिल्ला इस्लाम कालो उर्फ विशाल और शाहबाज के खिलाफ घर में घुस कर मारपीट हत्या की कोशिश बलवा धमकी देने व SC/ST की धाराओं में केस दर्ज कर दो आरोपियों विशाल और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। शेष नामजद दो आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सिधुआ पार में लक्ष्मीपुर टोले में मंगलवार की शाम गौतम और उसके पटीदार कालो उर्फ विशाल के बच्चों के बीच में खेलने के दौरान ही विवाद हो गया। गौतम इस दौरान पहुंच गए और समझाने लगे। इसी बीच दोनों पक्ष के लोगों में गाली गलौज शुरू हो गई। आरोपी बनाए गए इस्लाम आदि भी पहुंच गए और वहां कालो के पक्ष में बोलने लगे। आरोप है इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने जाति सूचक गालियां दी और मारपीट पर उतारू हो गए। गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने लाठी डंडा लेकर घर पर धावा बोल दिया और परिजनों से मारपीट करने लगे, जिससे गौतम के सिर पर चोट लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। तब तक आसपास के लोग भी शोर सुनकर पहुंच गए थे और बीच बचाव करने लगे। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल गौतम को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बुधवार दोपहर तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय गौतम के रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने गौतम के भाई डोला की तहरीर पर केस दर्ज कर दो आरोपियों विशाल व शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दो पटीदारों के बीच आपस में विवाद के दौरान मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष से गांव के कुछ अन्य लोग भी आ गए थे। मारपीट में युवक की चोट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि तलाश जारी है। गांव में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 24 अक्टूबर 2023 को थाना क्षेत्र बड़हलगंज के गांव सिधुआ पार के टोला लक्ष्मीपुर में झगड़े में एक पक्ष को गंभीर चोटें आई, जिसमें गौतम राम के व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय उपचार के बाद उन्हें मेदांता लखनऊ ले जाया जा रहा था परिजनों द्वारा, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। 24 तारीख को ही परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बड़हलगंज में 307 IPC व IPC की अन्य धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जैसे ही मजरूह के मृत होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, अभियोग में तत्काल 302 IPC व 7 CLA सहित कुछ अन्य धाराओं की वृद्धि की गई। दो अभियुक्त जो पहले ही सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे, इन बढ़ी हुई धाराओं में उनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से रिमांड बनवाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी और अभियुक्तों के विरुद्ध आगे भी कठोर निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।